In this video, we'll complete worksheet 5 of the chapter Exponents and Powers. So we had left question 2 to 6. So starting with question number 2, by what number should this be multiplied so that the product may be equal to this? So एक number ढूंढना है, तो let the number be x. Other number किससे multiply कर रहे हैं? 2 to the power minus 5 से. और product क्या आएगा? 2 to the power minus 1. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब x इंटू 2 टू द पावर माइनस 5, तो आंसर आएगा 2 टू द पावर माइनस 1. सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले माइनस साइन एलिमिनेट करना होगा, तो माइनस साइन एलिमिनेट करने के लिए 2 टू द पावर 5 हो जाएगा और ये 1 बाई हाफ हो जाएगा, सॉरी 2 विल बिकम 1 बाई 2. और यहाँ से माइनस साइन हटाएंगे तो ये भी 1 बाई 2 हो जाएगा, पावर 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. अब क्या सोचना है कि x इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 5 बार करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32. तो अब x इक्वल्स टू क्या होगा? वो तो ऊपर में ही रहेगा, 32 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है. तो ये कट हो गया, x इक्वल्स टू 16, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 16. तो जब ये इक्वेशन बनाना काफ़ी इजी है, लेकिन ये याद रखना है कि सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले सारा माइनस साइन को एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं. By what number should this be multiplied? तो let the number be x. Product कितना आएगा last में? So that the product may be equal to 1 by 5 to the power minus 3. तो according to problem क्या होगा? x में हम लोग multiply करेंगे. किसको? By what number should this be multiplied? तो इस number को multiply करेंगे. So it will be minus 1 by 5 to the power minus 1. इक्वल्स टू, यहाँ माइनस नहीं है, तो 1 बाई 5 टू द पावर माइनस 3. अब सॉल्व कैसे होगा? x इंटू, ये माइनस हटाना है तो इसके बदले हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ भी रेसिप्रोकल करना होगा तो 5 का क्यूब. अब ये माइनस 5 डिनोमिनेटर में जाएगा और 5 का क्यूब के बदले 125, फिर x का वैल्यू आ जाएगा. Now you'll do question number 4 on your own. I'll explain question number 5. By what number should this be divided? So let the number be x. इसमें question को थोड़ा ध्यान से करना है. Quotient दे दिया गया है 9 by 4 to the power minus 2. According to problem, question में लिखा है by what number should this be divided? तो ये माइनस 2 बाई 3 जो क्यूब है, ये डिवीजन में सामने रहेगा, फिर डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू जो कोशेंट आ रहा है. तो अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, डिवीजन के बदले इनटू, x के बदले 1 बाई x. यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको हटाते हैं, 4 बाई 9 का स्क्वायर. अब क्या करना होगा? ब्रैकेट ओपन करना होगा. तो माइनस के लिए तो क्यूब में माइनस रहेगा, 2 का क्यूब 8 बाई 3 का क्यूब 27 इंटू 1 बाई एक्स, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81. अब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि 1 बाई एक्स तो इधर ही रखेंगे, तो 1 बाई एक्स तो रहेगा, 27 ऊपर चला जाएगा और माइनस 8 नीचे आ जाएगा. 27 से इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं 3 पे, और इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं 2 पे. तो 1 बाई एक्स कितना आया? ये माइनस भी है तो 1 बाई एक्स आया माइनस 2 बाई 3. लेकिन हम लोगों को तो x चाहिए, तो यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी करना होगा. तो x इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2. इसी तरह से जब फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन बनाएंगे, तो वहाँ एक ट्विस्ट और आएगा.
वो इक्वेशन बनेगा 24 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 4 टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ बहुत केयरफुली करना होगा डिवीजन। सबसे पहले तो सारा माइनस साइन हटाना, तो 24 टू द पावर माइनस 1 है 1 बाई 24। ये डिवीजन अभी रहने दो, फिर 1 बाई 4। अब नेक्स्ट स्टेप में करना कि 1 बाई 24 डिवीजन के बदले इंटू एक्स के बदले 1 बाई एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली यू विल ट्राई ऑन योर ओन, सो आई विल डू 10 सब क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। सो हाफ टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर माइनस 3। इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये ऑब्जर्व करो कि सबसे पहले हम लोग माइनस साइन को हटाते हैं, पावर का माइनस। तो यहाँ पावर का माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 टू द पावर स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3/2 टू द पावर क्यूब। अब क्या करेंगे, डिवीजन के बदले इनटू, तो 2 का स्क्वायर डिवीजन के बदले इनटू, फिर से इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3 टू द पावर क्यूब। अब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का क्यूब 8/27, तो ये हो रहा है 32/27। फिर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज 27/32। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि जब माइनस साइन है तो उसको पहले पॉजिटिव कर दें पावर में, फिर डिवीजन के बदले इनटू और अगेन रेसिप्रोकल। लाइकवाइज यू विल कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। नाउ टेंथ क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इजी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसमें माइनस 4 है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, 2/3। इसी तरह से सपोज आई विल डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो क्वेश्चन में एक टर्म लाना होगा, यहाँ ज़्यादा टर्म है, तो यहाँ सेम बेस है तो पावर्स में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि डिवीजन है, तो 3-5, तो ये आ गया 8^-2 इंटू 8^-4। अब यहाँ क्या होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर्स विल गेट एडेड, तो ये आ गया 8^-6। अब इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/8^6, रेसिप्रोकल करके वहीं लिख देंगे। इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व करके एक सिंगल न्यूमरल लाएंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पहले लिखेंगे 5/8^-6, फिर कर देंगे 8/5^6। ये उसका रेसिप्रोकल नहीं है, मतलब ये पूरे रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल ये नहीं है, क्योंकि बस हम लोग माइनस साइन हटाएं। इसी तरह से क्वेश्चन 12 में है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आई विल डू वन क्वेश्चन विच इज -8/9, 3 एंड देन 2। तो पहले तो लिख देंगे -8/9^6। अब यहाँ माइनस साइन लाना है तो फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6। तो इसका मतलब जब हम लोग बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो जा रहा था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, 2^6/2^5 इंटू 2^2। तो यहाँ तो बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी 2^1 × 2^2, ऐड होकर 2 का क्यूब हो गया। अब इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट लाना है तो 1/2 कर देंगे और -3। तो कंप्लीट वर्कशीट 5 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।